हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, यह आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो कॉपीस्ट और एलडीए का एग्जाम होने वाला है उसका आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। इससे पहले मैंने आपको सेकेंड पार्ट दिया था जो कि 2013 का पेपर था, यह आपका 2017 का पेपर है जो मैंने आपको पार्ट वन में कराया था। पार्ट वन में हमने ये आपका डिस्कस किया था 2017 का पेपर, और इसमें का मैंने आपको 1 to 50 क्वेश्चंस कराए थे, 1 to 50 क्वेश्चंस जो कि आपका जीके का बेस्ट क्वेश्चंस था। और आज हम इसी का 51 से आगे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको जीके प्लस इंग्लिश का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। वी विल डू 51 to 80 क्वेश्चंस आज हम इसमें कवर कर लेंगे जिसमें आपको बेस्ट जीके और इंग्लिश का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल लास्ट, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, डायरेक्टली हम चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 51। डायरेक्टली हम 51 क्वेश्चन पे जाएंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इसका 50 क्वेश्चन तक करवा दिया है, ठीक है। तो हम लोग आज डायरेक्ट करेंगे 51 क्वेश्चन से। सो लेट अस मूव टू 51 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट ऑफ सिक्किम। लाइट ऑफ सिक्किम किसे कहा जाता है? तो ये आपका तिहार फेस्टिवल है। उसके बाद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो इंडिया में लॉन्च हुआ था वो 1905, ऑप्शन नंबर बी 1920, 1930 या 1940 को हुआ था। तो ये आपका 1930 में हुआ था, जो कि आपका डेट भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है इट इज अप्रैल 6, इट इज अप्रैल 6, आपको ये याद रखना है। उसके बाद नुमिसमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, ये जो नुमिसमेटिक्स है किसका स्टडी है? कॉइन्स, नंबर्स, स्टंप या स्पेस। तो ये आपका कॉइन्स का स्टडी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आवर नेशनल एंथम वाज फर्स्ट सांग इन, ये सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी 26, जनवरी 24। तो ये आपका दिसंबर 27, 1911 में सबसे पहले गाया गया था, जो कि आपका कलकत्ता का सेशन था। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है किस सेशन में गाया गया था। तो ये आपका कलकत्ता का सेशन था, जो कि आपका कलकत्ता का आईएनसी का सेशन था, दैट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, उसमें गाया गया था। उसके बाद लाइट ईयर किससे रिलेटेड है? सुनने में तो लाइट ईयर आपको स्पीड लग रहा होगा, लेकिन ये आपका डिस्टेंस से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में आपका कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए यूज किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है, ये आपका कट सेलेक्टेड आइटम्स के लिए यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। उसके बाद कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की सबको पता होगा, ये रीनेम करने के लिए यूज करते हैं हम, रीनेम करने के लिए यूज होता है। उसके बाद शॉर्टकट की रिप्लेस टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है उसके लिए शॉर्टकट की जो होता है वो कंट्रोल प्लस H है, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। ऑन एन एक्सेल सीट एन एक्टिव सेल, एक्टिव सेल को हम कैसे देखते हैं? तो वो थिक बॉर्डर लाइन से दिखता है, थिक ग्रिड लाइन से, यहाँ पे थिक नहीं देख के डार्क दिया हुआ है, तो यही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द डेस्क की, तो हम कंट्रोल प्लस अगर होम अगर क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्टली आपके बिगनिंग ऑफ द लाइन में चले जाते हैं। तो यह आपका जीके का पार्ट खत्म हुआ, जो कि मैंने आपको आज 51 टू 60 क्वेश्चंस कराए इसमें। और इससे पहले अगर आपको स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस देखने हैं तो जाके मेरा पार्ट वन देखिए, आप सर्च करेंगे जाके मेरे चैनल पे पार्ट वन ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा पार्ट वन, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, आप वहां से जाके पूरे 50 क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। प्लीज इसे मत छोड़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। सो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब जो भी हम करेंगे वो आपका इंग्लिश का सेक्शन होगा। सो लेट अस मूव टू द इंग्लिश सेक्शन नाउ, चलिए डायरेक्टली इंग्लिश सेक्शन की ओर चलते हैं। तो यहाँ से आप जो भी हम क्वेश्चन करेंगे ये आपका इंग्लिश सेक्शन है, तो आपको अच्छे से क्वेश्चंस को देखना है क्योंकि सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आपका सेनोनिम एंटोनिम्स है, तो यही आज हम करने वाले हैं। तो दिस इज द इंग्लिश सेक्शन, वी विल डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश। आप तो क्वेश्चन नंबर 80 हम आज करेंगे क्योंकि वैसी लंबा वीडियो बना के फायदा नहीं है, छोटा ही वीडियो रखेंगे लेकिन सब क्वेश्चंस करेंगे साथ में। अगस्त का यहाँ पे आपका सेनोनिम्स क्या होता है? तो अगस्त का सेनोनिम्स देखिए, कॉमन, रेडिकुलस, डिग्निफाइड या पीटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका होगा डिग्निफाइड, रेस्पेक्ट भी कहते हैं, डिग्निफाइड यहाँ दिया हुआ है तो वही सही होगा आपका। अलर्ट, अलर्ट का सेनोनिम, सेनोनिम्स मतलब आपको पता होना चाहिए कि सिमिलर वर्ड पूछ रहा है, तो अलर्ट तो आपको पता ही है, वॉचफुल, अलर्ट का मतलब आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वॉचफुल।
उसके बाद स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का ऑप्शन देखिए ड्राई, स्ट्रेंड, रिगरस या सिरिल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिगरस इज द सिमिलर वर्ड फॉर स्ट्रिंजेंट। रेकलेस किसे कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन है करेजियस, रेस, बोल्ड या डेरिंग, तो जो बहुत ही रस में रहता है रेकलेस उसे कहा जाता है, तो ये रेस है आपका, ठीक है। सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, डेट इज रेस, रेकलेस का सिमिलर वर्ड है रेस। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है आपका, कॉन्सिक्वेंस इंसिडेंट, रिजल्ट, डिफिकल्टी या एप्लीकेशन, तो कॉन्सिक्वेंस किसी भी चीज का अगर कॉन्सिक्वेंस हमें निकालना है तो हम क्या कहते हैं उसे, इंसिडेंट तो नहीं कहते, रिजल्ट, डिफिकल्टीज या फिर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अलग वर्ड हो जाता है, डिफिकल्टीज का कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, मैं हर क्लास में एक या दो होमवर्क देता हूँ क्योंकि मुझे भी देखना होता है कि आप कितने अटेंटिव है मेरे इस क्लास को लेके, और मेरा मतलब जो भी वीडियो है आप उसमें कितना मतलब हर एक वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और ये रेस्पॉन्स आप देते हैं कि नहीं मेरे आंसर का। तो प्लीज लास्ट में आप कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सर यस वी आर वेरी मच एक्टिव विथ योर क्लासेस, और ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक बटन को दबाएं, यही आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, अब हम एंटोनिम्स पढ़ेंगे। एनरमाउस का एंटोनिम्स क्या होता है, तो एनरमाउस का जो एंटोनिम्स होता है वो आपका होगा टाइनी, एनरमाउस मतलब बहुत सारा और टाइनी मतलब बहुत कम, ठीक है। एक्सोडस का एंटोनिम्स, एक्सोडस का अगर एंटोनिम्स हमें पता करना है तो इसका एंटोनिम्स होता है इनफ्लक्स, होमकमिंग, रिटर्न और रेस्टोरेशन, ये इसका एंटोनिम्स नहीं होता है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 68 से अब हम चालू करेंगे पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 68 से अब हम स्टार्ट करेंगे जो कि आपका नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट, ठीक है। तो अब हम एरोगेंट से स्टडी स्टार्ट करेंगे अपना। तो एरोगेंट का एंटोनिम्स पूछ रहा था, तो यहाँ पे हम्बल, प्राउडली, एगोइस्टिक या नॉलेजेबल, तो 68 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज हम्बल। डोलीफुल का एंटोनिम्स क्या होगा, देखिए ब्यूटीफुल, मॉर्नफुल, चेयरफुल या डिसाइडफुल, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चेयरफुल, चेयरफुल आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद ड्यूबियस का, ड्यूबियस का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 70, मैंने आपको सिनोनिम्स में एक होमवर्क दिया था तो एंटोनिम्स में भी एक होमवर्क देना बनता है, तो एक होमवर्क आपके लिए एंटोनिम्स में भी मैंने दे दिया है। इससे आपका क्या होगा, आप सारे वर्ड के बारे में पता करेंगे, ये होमवर्क इसीलिए नहीं है कि आप सिर्फ डीवीएस के बारे में पता करें, जितने भी और वर्ड दिए हैं सबका सिनोनिम एंटोनिम्स पता कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के जो वर्ड्स दिए हुए होते हैं उसी से क्वेश्चन फिर बन जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 70 होमवर्क रहेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 71, इसमें स्पेलिंग चेक करना है, और स्पेलिंग चेक से आप देख सकते हैं कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं, 7-8 या 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो आपको अच्छे से देखना है। तो 71 में फॉरफिट का स्पेलिंग देखना है हमें, तो फॉरफिट का जो सही स्पेलिंग है वो है FORFIET, मैं सबका सही आंसर बता रहा हूँ, आप बस ध्यान दीजिएगा और आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है ताकि आपको सबका सही तरीके से स्पेलिंग्स पता चलता रहे, ये फिर से रिपीट होने का बहुत चांसेस है क्योंकि यही सब सबसे हार्ड वर्ड है जो आगे भी आ चुके हैं। उसके बाद है सेडेंटेरी, सेडेंटेरी का 72 नंबर हम देखते हैं, तो सेडेंटेरी का करेक्ट आपका जो स्पेलिंग होता है वो होता है SCDENTARY, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्यूरेट, तो एक्यूरेट का स्पेलिंग आई होप सबको पता होगा, तो 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ACCURATE। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 इनकमबेंट का, इनकमबेंट का करेक्ट आंसर जो होगा 74 का करेक्ट आंसर है ए, जो कि INCUMBENT होता है। उसके बाद 75 का कोरिजेंडम का स्पेलिंग हमें पता करना है, तो 75 का जो करेक्ट आंसर होगा CORIGENDUM, कोरिजेंडम। उसके बाद 76 का कमिटमेंट का सही स्पेलिंग है, इसमें सबसे ज्यादा डाउट होता है कि डबल एम आएगा सीओ के बाद कि सिंगल एम आएगा, तो इसके बाद आपका डबल एम ही आता है और एक टी लगता है यहाँ पे, ये याद करने का तरीका है, डबल एम आके एक टी बस लगता है ये बीच में, उसके बाद MENT, ठीक है। तो 76 तक हमने ये क्वेश्चंस किए, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 77, आज के वीडियो में हम 80 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है, तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 77 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ से आज देखेंगे, 77 से हम करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 81 to 100 पूरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लेंगे, तो इसलिए मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहता,
जितना क्वेश्चन एक क्लास में इंपॉर्टेंट है उतना ही करेंगे, लेकिन ऑथेंटिकली करेंगे ताकि आपको याद रह सके। रिपेंटेंस का स्पेलिंग पूछ रहा है इसमें, तो 77 का रिपेंटेंस का स्पेलिंग होगा REPENTANCE। एसेसिनेशन, एसेसिनेशन, तो एसेसिनेशन में आप खुद दिमाग लगाइए कि इसमें डबल एस होगा एक के बाद या सिंगल एस, तो इसमें आपका डबल एस होता है, ASSANATION। 79 का रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन अगर आप वर्ड को ही पढ़ते हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, डबल एम आता है CO के बाद और DATION। उसके बाद सर्वेलेंस, सर्वेलेंस का स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि SURVEILLANCE। तो अगर जिन्होंने भी अभी तक इसका 1 to 50 क्वेश्चंस जो कि पार्ट वन में है वो नहीं देखा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज गो टू द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, जाके उसे एक्सेस कीजिए, दोनों पार्ट का जो मैंने पार्ट वन और पार्ट टू कराया है। पार्ट वन में इसी का पहला पार्ट है जो कि 1 to 50 क्वेश्चंस है, और पार्ट टू में आपका जो है वो आपका 2013 का पेपर है जिसमें मैंने आपको वहां पे भी जीके इंग्लिश कराया है। तो ये दोनों पार्ट जाके करिए, और इसी तरह अगर मैथ और रीजनिंग का वीडियो भी चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए लेके आऊंगा वो वीडियो। साथ में DHS का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरा चल रहा है, बेस्ट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ विथ मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर ऑल्सो। सो प्लीज DHS का भी पेपर का प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके सबको लिंक आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कीजिए, बिल्कुल फ्री है आपके लिए वीडियो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो चैनल का, तो चैनल के वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके, यही आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू।